हेलो, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके क्या रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। मींस अगर आप लेंथ को बढ़ा दें किसी भी कंडक्टर की, क्या उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका कि कहां क्या फॉर्मूला है, कहां से आया हमारे पास, थोड़ा सा उसको देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास रेसिस्टेंस जो है वो होता है रो एल अपॉन ए। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस यहां से निकाला जा सकता है। रो होता है रेसिस्टिविटी, एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए होता है एरिया। अगर आप किसी कंडक्टर का एरिया और उसका जो कंडक्टर है, रो जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर आप कंडक्टर को बदल देते हैं तो रो बदल जाएगा। तो यहां पे कंडक्टर सेम रख रहे हैं और उसका एरिया जो है वो नहीं बदल रहे। तो ये एरिया कौन सा है, आप अगर यहां पे देखें, हमारी जो वायर होती है वो सिलेंड्रिकल होती है इस तरह से। तो इसका जो ये वाला एरिया होता है, जो मतलब डिस्क की तरह होता है सिलेंडर में, ये वाला एरिया होता है जो हम यहां पे लिखते हैं एरिया। जितना आप इसको बड़ा करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कंडक्टर जो है वो मोटा होता जाएगा। मीन्स थिकनेस बढ़ेगी कंडक्टर की। तो यहां से देख सकते हैं कि थिकनेस बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम होता है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा इस लेंथ के ऊपर। तो यहां पे देखिए, अगर ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, तो हमने पढ़ा है कि इसको लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो R बाय L जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो इसी चीज को हमने वेरीफाई करना है, अगर ये फॉर्मूला सही है। मींस हमें इसको वेरीफाई करना है कि लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ना चाहिए, उतना ही बढ़ना चाहिए जितना लेंथ हम बढ़ा रहे हैं। मीन्स R बाय L हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो चलिए करते हैं अब इस एक्सपेरिमेंट को। तो देखिए, हमारे पास एपरेटस बहुत सिंपल है। एक आपको ये दिख रहा होगा और दूसरा हमारे पास मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहां से हम इसका इस पे अगर इसको रख दें तो हम इन दो वायर्स जो है हमारे पास, इनसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। अगर आप हम इसको किसी भी यहाँ पे करंट पे मेजर करना होगा तो करंट पे रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस मेजर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये रेसिस्टेंस का है 200। जो है ये दिखा रहा है कि इसकी लिमिट इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये 200 ओम तक मेजर करेगा। तो अब हम इसको 200 ओम के ऊपर रखेंगे और ये क्या है इसे जानते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक वुड का बोर्ड है जिसके ऊपर हमने एक वायर लगा दी है। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक लगाई हुई है वायर। और हमने इसको जो है एक स्केल लिया था, उससे जो है इस पे मार्क्स दिए हैं 1, 2, 3, 4 यूनिट्स में डिस्टेंस है, ये इंचेस में हमने लिया हुआ है। लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हम इंचेस में इसे लें या लेंथ सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में। हमें चेक करना है सिर्फ कि लेंथ के साथ साथ जो है रेसिस्टेंस बढ़ता है कि नहीं। तो यह हमने इनको इक्वली मार्क किया है, आप देख सकते हैं 32 तक। और हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक वायर है, ये दो एंड्स हैं इसके। तो एक हम इस साइड कनेक्ट कर देंगे इसके साथ और दूसरी जो है हम जहां पे कनेक्ट, जैसे हम यहां से यहां तक कर रहे हैं तो ये यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस होगा। यहां पे करेंगे तो ये वायर जो है टोटल यहां से यहां तक आ जाएगी, तो ये होगा इस पूरे का रेसिस्टेंस। तो हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे और पहले एक साइड पे एक टेबल बना देंगे। यहां पे टेबल में हम लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे हम रेसिस्टेंस और दूसरी साइड लिखेंगे हम लेंथ और उसके तीसरे पार्ट में हम लिखेंगे R by L जो हमने निकालना है। R by L कांस्टेंट आना चाहिए। तो अब देखिए यहां पे हम सामने रीडिंग्स भरेंगे, इसमें जो भी रीडिंग्स हमारे पास आ जाएंगी उन्हें भरेंगे। अब देखिए यहां पे 1 दिखा रहा है, मतलब सर्किट जो है वो डिस्कनेक्टेड है। हम यहां पे से मतलब चार चार यूनिट्स का गैप लेंगे 4 पे, उसके बाद 8 पे और फिर चेक करेंगे कि कितना रेसिस्टेंस आ रहा है। देखिए आप यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो अभी रेसिस्टेंस आ रहा है वो है 1.1 ओम दिख रहा है आपको। और ये आ रहा है, सॉरी, हमें 4 पे रखना है, ये आ रहा है 1.2 ओम। तो हम इसे लिखेंगे कि जब लेंथ 4 थी हमारे पास तो रेसिस्टेंस 1.2 ओम आया। अब हम इसको यहां से शिफ्ट करेंगे दूसरे पॉइंट पर, 4 से इक्वली डिस्टेंस 8 पे जाएंगे। तो यहां पे देखिए 8 पे हम इसको टच करेंगे तो हमारे पास रेसिस्टेंस आ रहा है 2.0 आ रहा है, ये आ रहा है 8 पे। तो हम यहां पे लिख देंगे
लेंथ जब 8 थी तो 2.0 हमारे पास रेसिस्टेंस आया। फिर से हम उसके बाद 4 यूनिट्स और आगे जाएंगे 12 पे, और 12 पे हम देखेंगे कि हमारा रेसिस्टेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे इसको अच्छे से टच करके रखना है, तो देखिए 2. ये जब आराम से वैल्यू जो है रुक जाए फिर हमें लेनी है वैल्यू, तो देखिए 2.7 आ रहा है। तो हम 12 पे लिख रहे हैं, 12 पे हमारे पास 2.7 ओम। उसके बाद हम और आगे चलेंगे, 12 के बाद 16 पे चलेंगे, तो देखिए 16 पे आ रहा है 3.4 ओम। तो 16 पे हमारे पास 3.4 ओम आया है। और रीडिंग्स ले लेते हैं कुछ, उसके बाद 16 के बाद 20 पे चले जाते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.2 ओम। तो लिख देते हैं हम 20 पे हमारे पास 4.2 ओम आ रहा है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, 24 पे चले जाते हैं, तो देखिए हमारे पास 5.4 ये रुक नहीं रहा अभी, अब देखिए 4.9 पे रुक गया, तो 4.9 है 4.9 ओम। 24 पे हमारे पास वैल्यू आई 4.9 ओम। तो कितना सिंपल था, ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, सारी रीडिंग्स हो जाती हैं, और आप जितनी रीडिंग्स चाहें उतनी ले सकते हैं, लेकिन हम इतनी सी रीडिंग ले लेते हैं और इनका जो है R by L निकाल के यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो देखिए निकाल लिए हमने इन सब का रेशो R by L का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी पहली वैल्यू आ रही है 0.3, बाकी वैल्यू जो है 0.25, 0.22, 0.21, 0.21, 0.20। तो ये वैल्यूज हमें दिखा रही हैं ये जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब आप पूछेंगे कि हमने कहा था कि R by L जो है वो कांस्टेंट है, मतलब हमारे पास बिल्कुल सेम नंबर आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट में जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नंबर्स आ जाएं, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं नंबर, जैसे 0.25 और 0.22 ये जो है तकरीबन क्लोज है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारे पास जो ये इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है मेजरमेंट के लिए, वो जितना एक्यूरेट होगा उतनी जो है हमारे पास वैल्यू जो है एक्यूरेट आती हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट में 0% एरर आ जाए, एरर जो है वो कम से कम हो सकता है लेकिन 0% नहीं हो सकता। तो यहां से हम देख सकते हैं ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है। अगर ये R by L हमारे पास कॉन्स्टेंट नहीं होता तो ये वैल्यूज जो है हमारे पास इनमें बहुत ज्यादा और ये रैंडम वैल्यूज होती यहाँ पे हमारे पास, तो यहां से हम इनका सिमिलर होना बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना हमें ये बताता है कि ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। और अगर इन वैल्यूज को आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो आपको ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली इस तरह का ग्राफ मिले, तो जब वैल्यूज को प्लॉट किया जाता है उस वक्त आपकी वैल्यू एक कहीं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा कुछ इस तरह से। तो हम इसे ले लेते हैं, ये जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, ये जो है ये कांस्टेंट आ रहा है, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। तो यहां से हमें ये समझना है, तो देखिए एक्सपेरिमेंट कितना सिंपल था, हमें सिर्फ दो डिवाइसेस, एक ही डिवाइस की जरूरत पड़ी और एक जो है हम खुद से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, हमने खुद से बनाया हुआ है। तो आप इन एक्सपेरिमेंट्स को घर पे कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई, आपका नॉलेज बढ़ा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस जो हैं आप देख पाएं आसानी से।